Good morning, students. Now let us begin our class. Paper 1, semester 3. And in this paper we are going to have two texts. One is A.J. Ayer's The Problem of Knowledge, and the second is Edmund Gettier's essay, Is Justified True Belief Knowledge? So we are having this textbook first. And that is A.J. Ayer's book, The Problem of Knowledge. We are having a discussion on first unit of this book. And the first unit consists of first chapter. And in this chapter, we have started discussing on the method of philosophy. What is peculiar to philosophical method? This we have done. This was the first topic. And today, we are going to have discussion on features of knowledge or conditions of knowledge. This is the second topic of this chapter. And this is the most significant topic of this chapter. So, about the features of knowledge, we are going to have discussion, and today we are going to have discussion on the first feature of knowledge or first condition of knowledge according to A.J. Ayer. As you know already, I have communicated, I have suggested you to read this text, and briefly I stated that as to what is the feature of knowledge according to A.J. Ayer. This is what we are going to have discussion. That is, we are beginning with the first chapter, second topic of A.J. Ayer's book, The Problem of Knowledge. So according to A.J. Ayer, there are three features of knowledge. ज्ञान की तीन विशेषताएं हैं, सत्यता, निश्चितता और निश्चितता का प्रमाण. सो अकॉर्डिंग टू A.J. Ayer, देर आर थ्री कंडीशंस आर थ्री फीचर्स ऑफ नॉलेज. कंडीशंस एंड फीचर्स आर सेम आई स्टॉक्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो देर आर थ्री फीचर्स आर कंडीशंस ऑफ नॉलेज. वन इज ट्रूथ, नंबर वन इज ट्रूथ, सत्यता. Second is certainty, nischitta, and third is proof for the certainty, that is nischitta ka pramaan. So today we are going to have discussion only on the first feature of knowledge, that is truth. What is truth? Satyata kya hai? To सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, इस बारे में कुछ बैकग्राउंड के रूप में आपको बीए थर्ड ईयर में स्टडी किया गया है, कुछ आपको बताया जा चुका है बीए थर्ड ईयर में. सत्यता के तीन सिद्धांत हैं दर्शन में. पहला है सत्यता का संवादिता का सिद्धांत, दूसरा है सत्यता का सामंजस्य का सिद्धांत, और तीसरा है सत्यता का अर्थक्रिया का सिद्धांत, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ. और सत्य है क्या चीज, ये सत्यता के सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहली बात तो जानने वाली ये है आपके लिए कि सत्य जो होता है वो हमेशा वेस्टर्न फिलॉसफी में प्रोपोजिशनल माना गया है. ट्रूथ इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्टेटमेंट्स. जो भी सत्य है, सत्य क्या है, सत्य जो भी है वह कथनात्मक है. तो कथनात्मकता जो है वो सत्यता की एक विशिष्टता है. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सत्यता या ट्रूथ जो है वो स्टेटमेंट का एक फीचर है, वैल्यू है.
कोई भी कथन या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। यदि सत्य होगा तो सत्य कैसे कहेंगे, किस आधार पर कहेंगे, उसकी कसौटी क्या है? तो सत्यता के सिद्धांत जो है वह सत्य की कसौटियां हैं। तीन आधार पर कसकर आप यह जान सकते हैं कि कोई कथन सत्य है या असत्य है। कथन से इतर सत्य नहीं होता है, अर्थात सत्य जो है भाषा में अभिव्यक्त होता है। तो जो तीन सिद्धांत हैं सत्यता के, करेस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी एंड प्रैग्मेटिक थ्योरी, तो इसमें करेस्पॉन्डेंस थ्योरी रियलिस्ट की थ्योरी है, यथार्थवादियों की थ्योरी है। कोहेरेंस थ्योरी जो है वो प्रत्ययवादियों की थ्योरी है, और अर्थक्रियावादियों की जो थ्योरी है वो है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ। तो कोरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या है, संवादिता अर्थ का, संवादिता का सिद्धांत क्या है, इसे मुख्य रूप से लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एजेयर जैसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट और जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट रियलिस्ट नहीं है वह भी इसको स्वीकार करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे विटगेंस्टाइन। रियलिस्ट होते हुए भी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं है, लेकिन वो भी रियलिस्ट होते हुए करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ को स्वीकार करते हैं। तो करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या है यह आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक संक्षेप में ही इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संवादिता का सिद्धांत है, सत्य का करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ है, वह मुख्य रूप से क्या है। तो संवादिता का सिद्धांत मानता है कि देयर इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्रुथ एंड प्रोपोजिशन। ऑन द वन हैंड देयर इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन प्रोपोजिशन एंड फैक्ट। जैसे जब कोई चीज कही जाती है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो चीज पाई जाती है, तब वो उसके करेस्पॉन्डिंग तो वो कथन सत्य होता है, अन्यथा वो असत्य होता है। तो उदाहरण के लिए कुछ टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है, जैसे अलमारी में रखे हुए कोट का रंग लाल है। अलमारी खोलते हैं, कोट देखते हैं, तो अलमारी में अगर कोट का रंग लाल है तो ये कथन सत्य हो गया, और अगर कोट है ही नहीं या कोट किसी दूसरे कलर का है तो ये कथन असत्य है। तो ये ब्रीफली कैन से दैट करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ मीन्स दैट देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट एंड the thing outside in the world about which that statement is made. So, जो कथन है, जो जिस बात को अभिव्यक्त कर रहा है, उसका वाह्य जगत में जो कुछ है, जिस बारे में वो कथन है, अगर वह दोनों के बीच में संवादिता हो रही है, correspondence हो रहा है, तब तो वो कथन सत्य माना जाएगा, अन्यथा वो कथन सत्य नहीं माना जाएगा। तो basic बात यह है। अब इसमें यह है कि वाह्य जगत क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड किससे बना है, ये अपनी जगह डिफरेंट चीज है और डिबेटेबल है। जैसे विटगेंस्टाइन कहते हैं कि वाह्य जगत क्या है, वाह्य जगत वस्तुओं से नहीं बना है, बल्कि वाह्य जगत किससे बना है, वाह्य जगत तथ्यों से बना है। तो देयर इज वन टू वन, देयर हैज टू बी इन केस ऑफ विटगेंस्टाइन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ, देन विल बी टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन proposition and the fact outside in the world. So स्पष्ट है that the one-to-one correspondence is significant in case of correspondence theory of truth. And यहाँ पे हम केवल correspondence theory of truth की बात करेंगे, coherence theory of truth की बात नहीं करेंगे या pragmatic theory of truth की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम realist AJR की बात कर रहे हैं, और realist क्या है और आइडलिस्ट क्या है, इन दोनों के बीच में डिबेट क्या है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियलिस्ट मानता है कि द रियलिटी इज एक्सटर्नल टू द सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी क्रिएशन, और आइडलिस्ट मानता है कि रियलिटी इज नॉट आउटसाइड द माइंड ऑफ द स्पीकर, दैट इज रियलिटी इज इनसाइड द स्पीकर। नाउ दिस इज द डिबेट बिटवीन रियलिस्ट एंड आइडलिस्ट। आप ये मान के चले कि आइडलिस्ट के अनुसार वाह्य जगत में जो वस्तुएं होती हैं वो वाह्य जगत में ना होकर के सब्जेक्ट डिपेंडेंट होती हैं, जो दृष्टा है उसी पर निर्भर करती हैं, जबकि रियलिस्ट मानता है कि वाह्य जगत में जो वस्तुओं का अस्तित्व है वो सब्जेक्ट पर निर्भर है। अब वाह्य जगत में वस्तुओं की जगह फैक्ट भी हो सकता है एज पर द
system of a particular philosopher. Like Wittgenstein talks about that external world consists of facts, not of things. जो कहते हैं कि वह जगत वस्तुओं से मिलकर बना है, वो कथन और वस्तु के बीच में संवादिता या correspondence की बात करेंगे truth की कसौटी के रूप में, जबकि जो idealist है वो ये मानते हैं कि there is no such kind of thing as the correspondence between between statement and the thing outside in the world, but basically there is a coherence and truth is nothing but system of thought. So that is different thing that we should not go into that lecture on correspondence theory, that is coherence theory and pragmatic theory, but here we are talking about only correspondence theory of truth. So here we are concerned with our this realist position and not the idealist position, because Heidegger is a realist. Now you can criticize Heidegger afterwards when we finish it, this section on truth. So this is the background which I am talking about. Keep this background in mind, then let us proceed about what is the condition of knowledge, that is the first condition of knowledge according to Heidegger, and the first condition of knowledge is truth. Now before we proceed further, this background was needed, and one more point is to be noted, that we are concerned here with philosophical method, and that method is to be supreme. That method is to be supreme, and that method has to be taken into mind, and that method basically is the philosophical method. And as you said, that in philosophical method, which is different from method of other social sciences or science subjects like biology, chemistry, physics, if here we are talking about philosophical method and philosophy, we have a typical kind of questions. The sum of questions you have come to know in earlier classes, but now some more issues, three, four more issues you have to keep in mind before moving further. And one is the Hume's rejection of causality. Hume किस आधार पर कारणता का खंडन करते हैं, इसकी बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि Hume आप पढ़ चुके हैं और उनका कारणता का खंडन पढ़ चुके हैं, किस आधार पर मूर जो है Hume जो है वो कारणता का खंडन करते हैं. और फिर एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि किस तरह से Hume के अकॉर्डिंग ought cannot be derived from is. And then there is a discussion about how to know about other what is happening in other minds, dusre ke man mein kya ghatit ho raha hai, ye bhi ek issue, philosophical issue hai. So there are different issues which Heidegger talks about philosophical method. Bahut sare issues aise hain jo ki Heidegger baat karte hain फिलोसफिकल मेथड के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो अभी हम ब्रीफ में यहाँ चर्चा भले कर दी है अभी, लेकिन इसकी चर्चा फिर जब ये तीनों कंडीशन की चर्चा हो जाएगी तब हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इस तरह से फिलोसफिकल मेथड है, देन देर आर टू कंडीशंस ऑफ नॉलेज और फीचर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज ट्रूथ एंड सर्टेनिटी, एंड बिफोर अराइविंग एट द थर्ड कंडीशन ऑफ नॉलेज, दैट इज proof for the certainty, here talks about some more questions related to philosophical method. So philosophical method की चर्चा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि text इस तरह से move कर रहा है, तो हम अभी truth की चर्चा करेंगे, first condition or first feature of knowledge, and then second feature or second condition of knowledge, that is the certainty, and then थर्ड फीचर दैट इज प्रूफ ऑफ सर्टेनिटी, सत्यता का निश्चितता का साक्ष्य, उसके बाद ओवरऑल फिलोसफिकल मेथड की चर्चा होगी, सो दैट यू हैव अ कोहेसिव पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट फिलोसफी एंड इट्स फिलोसफिकल मेथड. सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज दिस बेसिकली, ट्रूथ, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ नॉलेज. सो बिफोर अराइविंग एट व्हाट इज ट्रूथ, Heidegger in this text basically talks about what is the how can we decide as to what is common among various features of knowledge, like truth, certainty, right to certainty. जब हम इसकी बात करते हैं तो किस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि केवल यही जो फीचर्स है वो ज्ञान की विशेषता है और कोई विशेषता क्यों नहीं है, तो कॉमन क्या चीज है विभिन्न ज्ञान की स्थितियों में, इसकी चर्चा वो करते हैं. और कॉमन क्या होता है, जैसे कि वर्ग की विशेषता आप कह सकते हैं, विभिन्न स्थितियों में जो एक सर्वनिष्ठ चीज पाई जाती है, जैसे कि सभी प्रकार की घड़ियां जो होती हैं उसमें, उसको हम घड़ी क्यों कहते हैं, सभी प्रकार के जो है वो
फॉर एग्जाम्पल कार्स को हम कार क्यों कहते हैं, सभी प्रकार की साइकिलें हम साइकिल क्यों कहते हैं, तो ये होते हैं क्लास कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार हम कहते हैं। इंडियन फिलोसफी में बहुत चर्चा है यूनिवर्सल्स की भी, लेकिन हम उस चर्चा में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये फिलोसॉफिकल डिबेट जो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप एक थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे तो बहुत सारे उसमें इशूज निकलते जाएंगे। केवल ये आप मैं यहाँ इंडिकेट कर देना चाह रहा था जिससे कि यू कैन पिक अप दीज इशूज लेटर ऑन इफ यू एट योर विल, जब भी आपको इच्छा हो आप उधर मूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सर्विनिस्ट की चीज क्या होती है, जिस आधार पर आप ये डिसाइड करते हो कि कोई भी चीज क्या है वो, जैसे जब कहा जाता है टीवी, तो टीवी में क्या ऐसी चीज है जो कि सभी टीवी में पाई जाती है जिसके आधार पर हम टीवी को टीवी कहते हैं, घड़ी को हम कैसे, किस आधार पर हम घड़ी को घड़ी कहते हैं। अब यहाँ पे चर्चा करते हुए एजीआर कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लाल वस्तुओं को हम लाल क्यों कहते हैं, क्योंकि लाल के बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो सभी शेड्स को हम लाल क्यों कह देते हैं। इस संबंध में एजेएर जो अपना टेक्स्ट में डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि ये टेक्स्टुअल स्टडी है, माइंड इट, आपको टेक्स्ट पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और लाइन बाय लाइन पढ़ करके ही आप इंजॉय कर सकते हैं इसको, और इसमें कोई हिंदी में मटेरियल शायद उपलब्ध नहीं है, ज़्यादातर अच्छी तरह से कोई किताब नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपको ये लेक्चर सुनना है, क्वेश्चन करने हैं, डिस्कशन करना है, अपना नोट्स तैयार करना है। तो आप देखें कि जो सत्यता है उसके संदर्भ में जब ये बात करते हैं कि सत्यता किस तरह से पहली विशेषता हम ज्ञान की निर्धारित करते हैं, तो उसके संदर्भ में सबसे पहले एजेएर इस बात की चर्चा करते हैं कि ज्ञान की विशेषता का अर्थ ही क्या है, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ज्ञान की तीन विशेषताएं होती हैं, सत्यता, निश्चितता, निश्चितता का प्रमाण। तो इस संदर्भ में एजेएर कहते हैं कि कॉमन चीज जो होती है उसी के आधार पर यह कहा जाता है, जैसे सामान्य रूप में हम कहते हैं कि कार, तो विभिन्न कारों के बीच में जो समानता पाई जाती है उसी के आधार पर हम कार को कार कहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान की विभिन्न स्थितियों के बीच में जो समानता पाई जाती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञान है जिसकी तीन विशेषताएं हैं, सत्यता, निश्चितता और निश्चितता का प्रमाण। अभी उनका उत्तर है कि ज्ञान की तीन विशेषताएं या ज्ञान की तीन शर्तें हैं, अगर कोई भी कथन इन शर्तों को पूरा करता है तो हम ये मानेंगे, तब हम स्वीकार करेंगे कि वह ज्ञान जो वो कथन जो है ज्ञानात्मक है, या उस कथन से ज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये कह सकते हैं वो संज्ञानात्मक ज्ञान का कथन है, संज्ञानात्मक कथन है। तो ऐसी स्थिति में अब जो विशेष बात यहाँ ध्यान पे देने होगी, चर्चा करते हैं एजेएर, वो ये है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी जो कॉमन विशेषताएं हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कॉमन विशेषताओं की चर्चा करना यद्यपि कतिपय दार्शनिकों ने सही नहीं माना है, क्योंकि कतिपय दार्शनिक ये मानते हैं कि विभिन्न ज्ञान की स्थितियों में जो हम कॉमन चीज की बात करते हैं, सर्वनिष्ठता की बात करते हैं, तो ऐसी कोई बात करना तार्किक नहीं है। इस संदर्भ में एजेएर विटगेंस्टाइन की चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू एजेएर, विटगेंस्टाइन टॉक्स अबाउट दैट देयर इज नो सिमिलरिटी और कॉमननेस अमंग वेरियस थिंग्स व्हिच वी प्रिज्यूम टू बी देयर, दैट इज देयर इज नो सिमिलरिटी अमंग वेरियस थिंग्स व्हिच वी प्रेजेंट एज देयर ऑब्जेक्ट्स इन व्हिच देयर इज सम कॉमन एलिमेंट, कॉमननेस और सिमिलरिटी। अकॉर्डिंग टू एजेएर, विटगेंस्टाइन बेसिकली टॉक्स अबाउट फैमिली रिजेम्बलेंस एंड ही सेज दैट देयर इज नो सिमिलरिटी अमंग वेरियस काइंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और फैमिली, किसी भी परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच में जो समानता पाई जाती है विटगेंस्टाइन के अनुसार, वो समानता पारिवारिक सादृश्यता होती है, फैमिली रिजेम्बलेंस होता है, ना कि समानता होती है। इसी बात की चर्चा एजेएर यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या है वो बात जो कर रहे हैं एजेएर, स्पष्ट रूप से बात ये है, और जिसको विटगेंस्टाइन को आपने सेकेंड सेमेस्टर में कुछ पढ़ाई किया होगा, तो एजेएर यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि विटगेंस्टाइन कोट करते हैं डिक्शनरी के अर्थ में कि क्या होता है कि विभिन्न रेड थिंग्स में क्या कॉमन पाई जाती है। तो इस संदर्भ में कहते हैं कि ये जेत कहते हैं कि जो डिफरेंट शेड्स भले रेड का है लेकिन वो तो रेड ही है, इसलिए हम उसको रेड कहते हैं कॉमन रूप से। लेकिन वो ये चर्चा करते हैं कि विटगेंस्टाइन किस आधार पर जो है वो इस बात को नहीं मानते हैं, और इसके लिए विटगेंस्टाइन के संदर्भ में एजेएर कोट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड
इंग्लिश डिक्शनरी में कहा गया है कि जिस प्रकार से रेड थिंग्स का आप ले सकते हैं कि उसमें क्या कॉमन है, या घड़ियों में क्या कॉमन है, या विभिन्न टीवी में क्या कॉमन है, विभिन्न कारों में क्या कॉमन है, तो उसी प्रकार एजेयर एक एग्जांपल लेते हैं गेम का, विभिन्न खेलों में क्या कॉमन है। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से चर्चा करते हुए एजेयर कोट करते हैं गेम की परिभाषा अपने इस टेक्स्ट बुक में, और वो कहते हैं गेम जो है वो डिफाइन किया गया है इंग्लिश डिक्शनरी में, वो ये है कि ए डायवर्सन ऑफ द नेचर ऑफ अ कॉन्टेस्ट प्लेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड डिसाइडेड बाई सुपीरियर स्किल स्ट्रेंथ आर गुड फॉर्चून। तो ये जो हम खेल की परिभाषा है, तो खेल की परिभाषा में हम कहते हैं कि कोई भी खेल जो है उसमें क्या कॉमन होता है विभिन्न खेलों में, कि वह प्रतियोगिता के द्वारा खेला जाता है और उसमें कुछ नियम आधारित गतिविधियां होती हैं। तो नियम आधारित गतिविधियां होती हैं, इसके बारे में एजेयर का ये कहना है कि विटगेंस्टाइन जो ये कह रहे हैं कि विभिन्न खेल जो होते हैं सब में प्रतियोगी भावना से खेल नहीं होता है। उदाहरण के लिए बच्चे जब अपना खेल खेलते हैं तो उसमें कोई प्रतियोगी भावना जैसी नहीं होती है, और फिर बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, बिना रूल्स के खेले जाते हैं, जैसे कि बच्चे जब अपना गेम खेलते हैं या परिवार में अपने स्वांतः सुखाए के लिए कोई गेम खेला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू विटगेंस्टाइन देयर इज नथिंग कॉमन व्हाट इज कॉल्ड गेम, there's nothing common among activities, various activities, various games that they are called games, but there is only family resemblance. So Wittgenstein says that we cannot find anything common to all games, but only a complicated network of similarities. Complicated network of similarities, Wittgenstein कहते हैं अपने philosophical investigations में, complicated network of similarities means there is a नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिमिलरिटीज विच मे बी कॉल्ड रिजम्बलेंसेस, सो लाइक दैट दे ओवरलैप एंड क्रिस क्रॉस ईच अदर, सिमिलरिटीज आर सच दैट दे ओवरलैप एंड क्रिस क्रॉस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द फीचर ऑफ द फेस ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, देन देर इज अ रिजम्बलेंस एमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप that family, but there is nothing which is common to all. जैसे किसी का जो है मत्था जो है एक परिवार के सदस्य से दूसरे परिवार के सदस्य से मिलता है, जैसे बहन भाई हैं तो उनमें जो है एक नोज में कुछ सिमिलरिटी है, किसी में ठोड़ी में कोई सिमिलरिटी है, इस बात की चर्चा विटगेंस्टाइन कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कॉमन है एमंग अक्रॉस द फैमिली मेम्बर्स। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए एजेयर कहते हैं कि विटगेंस्टाइन ये कहते हैं, जब ऐसा कहते हैं तो नॉलेज के बारे में विटगेंस्टाइन कह सकते हैं कि देर इज नथिंग विच इज कॉमन एमंग ऑल केसेस ऑफ नॉलेज, बट देर इज ओनली क्रिस क्रॉस रिजम्बलेंस और देर इज ओनली फैमिली रिजम्बलेंस, दैट इज पारिवारिक सादृश्यता है, और पारिवारिक सादृश्यता से अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी कॉमन नहीं है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन जब विटगेंस्टाइन इस बात की चर्चा करते हैं, और आपको मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि फैमिली रिजम्बलेंस कॉन्सेप्ट जो विटगेंस्टाइन का है आपको पता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं उसको, और किस प्रकार से विटगेंस्टाइन इस संप्रत्य को देते हैं, क्योंकि उसी पर कमेंट कर रहे हैं एजेयर यहाँ पे। तो जिस प्रकार से किसी भी परिवार के विभिन्न सदस्यों के चेहरों के बीच में कोई कॉमन जैसी चीज नहीं पाई जाती है, बल्कि विभिन्न सदस्यों के चेहरों के बीच में क्रिस क्रॉस रिजम्बलेंस पाया जाता है, उसी प्रकार से एजेयर इस कॉन्टेक्स्ट में विटगेंस्टाइन पर आक्षेप करते हुए कह रहे हैं कि विटगेंस्टाइन तो यह स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की विभिन्न स्थितियों के बीच में कोई कॉमन जैसी चीज नहीं पाई जाती है, सत्यता निश्चितता निश्चितता का प्रमाण जैसी कोई एक चीज नहीं पाई जाती है, बल्कि आपस में उसमें केवल क्रिस क्रॉस रिजम्बलेंस पाया जाता है। और एजेयर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विटगेंस्टाइन इज रॉन्ग इन सेइंग that games do not have anything in common. Heger कहते हैं कि Wittgenstein गलत हैं यह कहने के लिए कहने में, या जब वो Wittgenstein ये कहते हैं कि विभिन्न जो स्थितियां हैं games की उसमें कोई कुछ भी सामान्य नहीं है, कुछ भी common नहीं है, कुछ भी जो है वो
ऐसा नहीं है जो कि सभी गेमों में पाया जाता है, बल्कि उसमें केवल क्रिस क्रॉस रिजेम्बलेंस पाया जाता है। तो विटगेंस्टाइन गलत है यहाँ। गलत क्यों है? ये एजेयर अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं एजेयर कि ही इज डूइंग सो सजेस्ट दैट ही टेक्स द क्वेश्चन वेदर थिंग्स हैव समथिंग इन कॉमन टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन वेदर देयर आर रिजेम्बलेंसेस। तो एजेयर कह रहे हैं कि विटगेंस्टाइन जो है वो कॉमन को रिजेम्बलेंसेस से डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं। और यहाँ पे एजेयर का कहना है कि जिसे विटगेंस्टाइन रिजेम्बलेंसेस कह रहे हैं उसी को हम कॉमन मान सकते हैं। तो व्हाट विटगेंस्टाइन सेज इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली रिजेम्बलेंस दैट इज क्रिस क्रॉस रिजेम्बलेंस और फैमिली रिजेम्बलेंस अकॉर्डिंग टू एजेयर दैट इज नथिंग बट एक्चुअली द कॉमननेस among various cases of the resemblances or similarities among various concepts and in this context games. So what Wittgenstein says that there is nothing common among what we call various games, but only there are criss-cross resemblances or पारिवारिक सदस्यता होती है विभिन्न गेमों में और कुछ नहीं होता है। लेकिन एजियर कह रहे हैं कि जिसे विटगेंस्टाइन पारिवारिक सदस्यता कह रहे हैं उसी को हम मान सकते हैं कि वो कॉमन चीजें होती हैं। और द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एजियर द पॉइंट व्हिच विटगेंस्टाइन आर्गुमेंट ब्रिंग्स आउट इज दैट द रिजेम्बलेंसेस बिटवीन द थिंग्स टू व्हिच द सेम वर्ड अप्लाइज मे बी ऑफ डिफरेंट डिग्री। विटगेंस्टाइन एजियर के अनुसार कह रहे हैं कि एजियर की विटगेंस्टाइन कॉमन नहीं मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं कॉमन नहीं है केवल रिजेम्बलेंसेस अमंग वेरियस केसेस ऑफ गेम्स फॉर एग्जांपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट और इन प्लेस ऑफ गेम आप नॉलेज भी ज्ञान भी कर सकते हैं। खेल और ज्ञान दोनों एक दूसरे के कन्वर्टिबल टर्म्स के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा में प्रयुक्त कर सकते हैं यहाँ पे। तो एजियर कह रहे हैं कि विटगेंस्टाइन जो है वो कह रहे हैं कि विभिन्न जो गेम होते हैं उसमें कॉमन जैसा कोई एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि जिस कॉमन एलिमेंट की हम बात करेंगे वो डिफरेंट डिग्री में विभिन्न खेलों में पाया जाएगा, जैसे नियम आधारित खेलना या कॉन्टेस्ट स्वीकार करना या आउट गेम या इन गेम, इनसाइड गेम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम या डिफरेंट टाइप के जो गेम्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो सिमिलरिटी का जो एलिमेंट है उसमें डिग्रीज होती हैं सिमिलरिटी की। किसी गेम में कुछ कम पाई जाएंगी, किसी गेम में ज्यादा पाई जाएंगी। तो वो जो एलिमेंट है आपका, वो जो सिमिलरिटीज का एलिमेंट है, क्योंकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट खेलों में डिफरेंट प्रकार से पाया जाएगा, इसलिए हम कॉमननेस की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन एजियर के अनुसार ये डिफरेंट डिग्रीज में जो कॉमननेस पाई जाती है विभिन्न खेलों में, उसके आधार पर यह रिजेक्ट कर देना कि विभिन्न गेम में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, यह लूजर है। इट्स लूजर एंड लेस स्टेट फॉरवर्ड। अब आप समझें कि एजियर सही है कि विटगेंस्टाइन सही है, ये आपके लिए मैं ओपन खुला छोड़ दे रहा हूँ। आपको आर्गुमेंट देना है अपना कि वेदर विटगेंस्टाइन इज राइट और एजियर राइट। आप ये आर्गुमेंट समझ लेंगे तो अपना आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। विटगेंस्टाइन का क्या आर्गुमेंट है, स्पष्ट रूप से पीआई फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस में दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और वहां से उठा करके आप एजेयर को जवाब पूरा दे सकते हैं कि जो एजेयर ऐसा कह रहे हैं विटगेंस्टाइन के बारे में, वेदर एजेयर इज जस्टिफाइड और नॉट, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट योर रिसर्च पेपर। एंड दैट इज प्रीटी सिंपल दैट यू कैन हैव योर स्टैंड पॉइंट about Ayer's standpoint on Wittgenstein's position about family resemblance. So this is one issue. Now let us move further and ये तो एक background के रूप में है कि किस प्रकार से विभिन्न ज्ञान की जो स्थितियां होती हैं उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, उसमें सत्यता निश्चितता और निश्चितता का element की हम जब बात करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो एक बात हो गई। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है कि एजेयर का जो क्रिटिक है विटगेंस्टाइन का, वह एक रियलिस्ट क्रिटिक है अगेंस्ट द रियलिस्ट ओनली, दैट इज विटगेंस्टाइन इज आल्सो रियलिस्ट। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस एज टू व्हाई एजेयर इज क्रिटिसाइजिंग विटगेंस्टाइन ऑन दिस पॉइंट। तो आप ये कह सकते हैं कि विटगेंस्टाइन में जो आइडलिस्ट एलिमेंट है, या आप अपनी तरफ से इसको आर्गुमेंट दे सकते हैं जैसे
कि विटगेंस्टाइन का आर्गुमेंट ये कहना है कि देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉमन अमंग वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नॉलेज और वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ गेम और वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ फैमिली और वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट यू टेक टीवी कार देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉमन अमंग वेरियस थिंग्स. तो आप ये कह सकते हैं कि एजेयर का जो रियलिस्ट क्रिटिक है अगेंस्ट रियलिस्ट विटगेंस्टाइन बेसिकली वो क्रिटिक है एयर का विटगेंस्टाइन में जो आइटलिस्ट एलिमेंट कुछ हद तक पाया जाता है देखा जाता है. किस प्रकार देखा जाता है कि ये बात करना कि देयर इज नथिंग कॉमन बट ओनली अ फैमिली रिजेम्बलेंस व्हिच डजंट लाई इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड आउटसाइड बट दैट लाइज इन द इंटरप्रेटर्स माइंड. From that perspective, you can say that Ayer is basically criticizing Wittgenstein to a great extent on the very foundational feature of their philosophical structures, because the philosophical structure of Ayer is entirely based in logical positivism and Wittgenstein's philosophical structure is not based in logical positivism. There are some elements, there are some theories, there are some concepts of logical positivism which Wittgenstein espouses, which Wittgenstein holds, but Wittgenstein definitely is not a logical positivist. This has been conclusively established. तो जब विटगेंस्टाइन जो है तार्किक भाववादी नहीं है और एजेयर तार्किक भाववादी हैं तो इन दोनों के बीच का विवाद तो होना ही है. और दार्शनिक विवाद कुछ इस तरह से होता है जिसका कि अपना युक्ति होती है, अपना तर्क होता है, अपना आधार होता है. तो आप उन आधारों में जा करके ये खोजने का प्रयास करेंगे कि कौन दार्शनिक, चाहे वो एजेयर है या कोई और है, और विटगेंस्टाइन ऑन द अदर हैंड, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड वो आपका अपना आर्गुमेंट क्या होगा, हु इज राइट हु इज रॉन्ग. So this is for the time being. Now, this was all second background, can say that, second episode of background to this first feature of knowledge, that is truth. Now, what is truth? Truth के बारे में जब बात करते हैं फिर से तीसरी point पे, तो हम पाते हैं कि truth और के संदर्भ में कि truth जो है वो कथन की विशेषता है. और जब कथन की विशेषता है तो कथन जो है वह तो विश्वास का होता है या तो ज्ञानात्मक होता है. ज्ञान और विश्वास के कथन में अंतर होता है. और जो ज्ञान का कथन होता है वह हमेशा सत्य होता है, उसमें असत्यता जैसी कोई बात नहीं होती है. जब आप कहेंगे कि ये ज्ञानात्मक कथन है, ये ज्ञान एक्रू करता है, तो ऐसा कथन कभी असत्य नहीं हो सकता है. अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि पाश्चात्य दर्शन में त्रिकाला बाधित सत्य जो कि भारतीय दर्शन में जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं की जा रही है. यहाँ पे ट्रुथ जो सत्यता की बात की जा रही है वो करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ की संदर्भ में बात की जा रही है. तो ज्ञान जो है वह जो वही कथन ज्ञानात्मक होगा जो सत्य होगा. लेकिन विश्वास के बारे में कह सकते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है तो आपका विश्वास जो है वो टूट भी सकता है, अर्थात वो कथन जो है सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है. सो द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ which you are going to study in third semester as well in fourth semester paper 1, that is the basic difference is that the statement which is a statement of belief is basically a statement which could be false, but a statement which is about a statement of knowledge cannot be false, it has to be true. So knowledge statement invariably is true and belief statement may be true and may not be true. जो विश्वास का कथन है वो सत्य और असत्य दोनों हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान का कथन है वो सत्य ही होगा, असत्य नहीं होगा. और जब हम अब ज्ञान के बारे में आते हैं तो दो बातों की के बीच में अंतर करते हैं एजेयर अपने टेक्स्ट बुक में. और वो जो अंतर है बेसिकली माइंड इट वो सत्य की जो कसौटी है समानता के सिद्धांत के आधार पर ही है. अब सत्य की पहली कसौटी, जैसा कि हमने इस लेक्चर के प्रारंभ में भी बताया था कि एजेयर के अनुसार ज्ञान की पहली कसौटी सत्यता है. अब जो सत्यता है उसको दो प्रकार से अभिव्यक्त हम मानते हैं, एजेयर मानते हैं. और दो प्रकार से अभिव्यक्त कैसे होता है, एक होता है नोइंग दैट और दूसरा है नोइंग हाउ. नोइंग दैट वह जानना, नोइंग दैट को आप नोइंग व्हाट भी कह सकते हैं. नोइंग दैट मतलब वह जानना, हिंदी में कह सकते हैं वह जानना और क्या जानना. वह जानना जो है और क्या जानना जो है वह फैक्चुअल पूरी तरह से होता है, वह जानना, नोइंग दैट. सो
For example, you're talking about knowing anything in external world, so that knowing that का प्रयोग करते हैं is here. Knowing that is knowing what basically, कि क्या जानना. External world में क्या है, so there is a one-to-one relationship between statement and the thing or fact outside in the world. So that is called knowing that. And दूसरा है knowing how, कैसे जानना. तो कैसे जानने के जो संदर्भ में बात की जाती है वह है बेसिकली कोई स्किल अपने आप में रखना, पोसेसिंग स्किल और एबिलिटी टू राइट स्टोरीज फॉर एग्जांपल, और ड्राइविंग स्किल और फॉर एग्जांपल स्विमिंग स्किल, टाइपिंग स्किल और टीचिंग स्किल, और सो मेनी काइंड्स ऑफ स्किल्स दे कम इन द सेकेंड काइंड ऑफ नोइंग, एंड दैट इज कॉल्ड नोइंग हाउ. अब सत्यता के संदर्भ में जब बात करते हैं हम, जो ज्ञान की सत्यता है, ज्ञान की सत्यता दैट इज फर्स्ट फीचर ऑफ नॉलेज या फर्स्ट कंडीशन ऑफ नॉलेज है, तो जो ज्ञान की हम जब सत्यता की बात करते हैं तो उसमें जब दो प्रकार के ज्ञान की स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, दैट इज नोइंग दैट एंड दूसरा है नोइंग हाउ. तो इन दोनों में हम देखें कि क्या पर्सपेक्टिव्स हैं. तो नोइंग दैट में क्या होता है कि देयर इज अ फैक्चुअल रिलेशनशिप, दैट इज नोइंग ए फैक्ट एज नोइंग दैट समथिंग इज द केस. एक फ्रेज हमेशा याद रखिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, नोइंग दैट समथिंग इज द केस. नोइंग एज समथिंग इज द केस मींस दैट सम फैक्चुअल थिंग इज देयर इन द आउटसाइड वर्ल्ड. इसीलिए टेक्टेटस आपने पढ़ा होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपने पाया होगा टेक्टेटस में, वर्ल्ड जो है ऑल दैट इज द केस, मतलब ये संसार किससे बना है. All that is the case means facts. So knowing means knowing all that is the case means all that which are facts. So first kind of knowing in the context of first feature of knowledge, that is knowing that. Knowing that वह जानना. अर्थात knowing what क्या है ये जानना. So knowing that or knowing what क्या है, knowing a fact as knowing that something is the case. Although there could be variations like I know the man, but forgotten who he is. His name is. कभी भी ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि मैं जानता हूँ उस फला आदमी को, मैं जानता हूँ, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि आप उस फला आदमी का नाम नहीं बता पा रहे, या आपने कहा देखा तो है इस आध बंदे को लेकिन पता नहीं है. एक अपनी क्लास में कभी आता था एक साल दो साल पहले, अब फिर दिखाई दिया है. या कोई जैसे कि अभी कह रहा है कि हमें जो है वो क्लास में एंट्री करना है, इतना दिन क्लास किए हो गया, अभी क्लास किया, तो बंदा लग तो रहा है बंदा अपना ही बंदा है, लेकिन पता नहीं कौन सा बंदा है, इसका नाम भी नहीं पता है. चार साल पहले मान लीजिए कोई पीएचडी करके गया हुआ क्लास में आए आपके पास, तो आप कहेंगे अरे ये तो अपने डिपार्टमेंट का ही है, लेकिन हम नहीं जानते, नाम नहीं जानते. तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक बात क्या है, नोइंग दैट दैट इट इज अ फैक्चुअल काइंड ऑफ नोइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट विच इज नॉट नोन टू यू, बट स्टिल देर आर एलिमेंट्स दैट इज नोन टू यू एंड दैट इज दैट विल कम नोइंग दैट आर नोइंग वॉट, वह जानना क्या जानना. दूसरा है नोइंग हाउ. Knowing how is, again I am telling that it is possessing skill or ability to write stories or teach, and that is basically sometimes they become the part of habit also, like swimming. So in this case, like driving, like swimming. So in this case, क्या होता है कि you don't have to think about what to do. That is the first. That is what, knowing that you don't have to think about, but you are habitual to that. So this could be divided, this second that is knowing how is air from AJR's perspective could be divided into one factual content, that is state of a particular consciousness, that is ability to do something, or you can say that something conscious process of judging or stating that such and such. So one is that subjective element and one is objective, that is factual element. So knowing how, so far as knowing how is concerned, that factual element becomes according to air the part of truth, and that conscious element that is the subjective element doesn't belong to the truth. Now in this context interesting baat hai, in this context there is one very interesting thing, and that is the debate between air and Ryle. Air basically criticizes Rylean position here, and though both are realist, Ayer quotes Ryle, and Ryle, what is the Ryle's position? Ryle says that display of intelligence lies in the manner of performance rather than it is being accompanied or preceded by any conscious recognition of the relevant facts.
तो जहां तक एजेयर है वो रिलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं ट्रुथ के संदर्भ में, देयर इज वन टू रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट एंड द फैक्ट आउटसाइड इन द वर्ल्ड, बट राइल के अनुसार जब बात होती है कॉम्पिटेंस की तो वहां पे किसी कथन का और किसी स्किल के पोजिशन से देर इज नो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि दैट पर्सन बेसिकली इज अ वेरी गुड ड्राइवर, तो आप जो है उसके अंदर किसी प्रतिभा का इस कथन के कि ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर से वन टू वन करस्पॉन्डेंस नहीं देखते हैं, बल्कि उसका कॉम्पिटेंस कैसे आप जज करते हैं, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस से अकॉर्डिंग टू राइल। तो अगर ही इज परफॉर्मिंग वेल देन ही नोज एंड देन ही नोज ड्राइविंग एंड देन देर इज अ फुलफिलमेंट ऑफ द फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट फीचर ऑफ नॉलेज। बट अकॉर्डिंग टू एजेयर आई हैव नथिंग अगेंस्ट राइल if Ryle is talking about competence so far as that competence is related to the factual content present in the that person. Now you have to decide that who is right, Ryle is right or Azier right? Azier is right, and you can have your researches on this point. And Azier says, if we are prepared to say that knowing facts need not consist in anything more than a disposition to behave in a certain ways, we can construe knowing how to do things as a matter of knowing facts. So knowing how, जो कि second kind of knowing है, as different from knowing that, Azier के अनुसार आप उसको knowing facts से related करके देख सकते हैं, instead of seeing some kind of disposition as talked about by Ryle. Now it is up to you, but Azier says this so as not to include intuitive knowledge in the knowledge definition. Now Azier जो है बहुत possessed है इस point से कि बहुत possessed है इस point से कि जो knowledge है वो हमारा objective knowledge होना चाहिए. Being a realist, he is bound to talk about Azier is bound to talk about that there is nothing like intuitive knowledge which is coming in our objective knowledge in epistemology. तो एयर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम कोई ऐसी बात ना कह दें कि जैसे intuitive knowledge जो है वो हमारा इसमें knowledge की definition में आ जाए. इसीलिए वह विटगेंस्टाइन की भी आलोचना करते हैं और राइल से भी अपनी असहमति व्यक्त करते हैं. So far as disposition is concerned, as Ryle says. So in this context, you can see that the first feature of knowledge, according to Azier, is that truth, which is objective truth, and correspondence theory of truth is the criteria. Now this is the thing. This is in brief. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एजेयर स्थापित करते हैं कि ज्ञान की पहली विशेषता जो है वो सत्यता है, और वो सत्यता ऐसी सत्यता है जो कि ज्ञान के संवादिता के सिद्धांत के आधार पर स्थापित है, और उसमें किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्टिविटी से समझौता करने का की बात है वो एजेयर स्वीकार नहीं कर रहे हैं. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही क्रिटिसाइजेस विटगेंस्टाइन एंड ही डिसएग्रीज विद राइल. And this is in brief, this is the first feature of knowledge. And in next lecture, we'll be discussing about the second feature of knowledge, that is certainty. And that is a little more complex. But here, in the meantime, you'll go and read the text and discuss. If there is any issue, you can message me and we can have discussion. Later on, we can have prescribed one section, one class, only for the sake of discussion. So thank you very much for being in this class. Thanks. Thank you, sir.